आ रहा है। लोग यहाँ अपनी जान की बाजी लगाकर नदी पार कर अपनी रोजी रोटी के जुगाड़ में निरंतर लगे रहते हैं। देखिए रिपोर्ट। राजपुर विकास खंड ग्राम पंचायत धांधापुर में लगे छिंदिया अड़ाल मार्ग में महानदी पर 2003-2004 में लोक निर्माण सेतु विभाग के द्वारा पुल का निर्माण कराया गया था। इस पुल के निर्माण से अंबिकापुर से प्रतापपुर और राजपुर से प्रतापपुर के बीच आवागमन आसान हो गया था। महानदी पर बने इस पुल के निर्माण से आसपास के दर्जनों गांव शहर से जुड़ चुके थे, जिससे यहां के लोगों का जीवन काफी सुखमय हो गया था। पुल की ऊंचाई अपेक्षाकृत कम होने से बरसात के मौसम में नदी में बड़े बड़े पेड़ पौधे और वनों के मलबे के जमाव से पुल में लगातार क्षति होती चली जा रही थी, जिस कारण 2015-16 में भारी बारिश के कारण पानी का बहाव तेज होने से पुल पूरी तरह से क्षतिग्रस्त होकर टूट गया। इस पुल के टूटने से फिर से दर्जनों गांव का संपर्क शहरों से टूट गया और यहां पुल टूटने के कारण भी आवागमन करने में बहुत बड़ी दिक्कत हो रही है, क्योंकि धांधापुर पंचायत दो भागों में बटा है, कुछ नदी से उस पार है, कुछ नदी से इस पार। अभी बरसात के मौसम में अगर राशन पानी लेना हो तो इधर से इस पार से उस पार ले जाने में बहुत भारी दिक्कत है, क्योंकि यहाँ से अगर घूमते भी हैं हम लोग तो कम से कम 25-30 किलोमीटर की घूमना पड़ेगा बगल से, क्योंकि यहाँ पर सामने आने जाने में भाई नाव में आदमी अपने जान को जोखिम में लेकर कहीं पार हो रहा है। बहुत बड़ी इसको भाई हम समस्या मानते हैं। हम लोग के आने जाने में बहुत परेशानी है, सारा चीज़ हम लोग को इसी पार आना जाना हम लोग का है। कभी इमरजेंसी में हो गया तो हम लोग को कोई साधन आने का नहीं। नदी है, नदी के पानी में हम लोग डाक नहीं पाते हैं, यही इमरजेंसी हम लोग का है। और नदी जब कम माने बाढ़ ज़्यादा रहता है तो उस समय पर कोई अलाउ नहीं, सब हर तरह से कोई बीमार अगर पड़ गया तो हम लोग तड़प तड़प के मर रहे हैं। लोधी गाड़ में कोई विकास नहीं, रोड भी नहीं है, पानी पीने का साधन नहीं है, नदी का पानी हीढ़ा पी पी के जी पार हो रहा है। धांधापुर से लगे छिंदिया अड़ाल मार्ग में महानदी पर बना पुल लगभग 5 साल से टूटा पड़ा है, जिससे दर्जनों गांव के लोग अपने जीवन के लिए लगातार 5 सालों से संघर्ष कर रहे हैं। यहां के लोग राशन और खाद्यान्न के लिए नदी को पार कर अपनी जान को जोखिम में डालने पर मजबूर हैं। यहां के लोग किसी भी जरूरत के सामानों के लिए आसपास लगे शहरों के बाजारों पर पूरी तरीके से आश्रित हैं। यहाँ के लोगों को चाहे कोई भी सामान खरीदना हो, बिक्री करनी हो तो शहरों की ओर ही जाना होता है, जो कि लोग विगत 5 सालों से ऐसा ही करते आ रहे हैं। यहाँ के लोग पुल निर्माण करने के लिए कई बार बड़े अधिकारियों और राजनेताओं से लिखित और मौखिक निवेदन कर चुके हैं, जिसका परिणाम आज लगभग 5 सालों बाद साकार होता नजर आ रहा है। सेतु विभाग ने एक बार फिर से सर्वे कराकर लगभग 9 करोड़ की लागत से पुल का निर्माण कराने जा रहा है। साथ ही फिलहाल आवागमन का वैकल्पिक व्यवस्था डोंगा, जो कई जगह से क्षतिग्रस्त होकर रिस रहा है, उसे भी शहर राजपुर SDM RS लाल ने सुधार कार्य करवाकर उपयोग में लाने के निर्देश दिए हैं। हम लोग जलावतरण किए थे और इस बार जो छिंदिया डांड की जब आपके द्वारा बात बताई जा रही है और वहाँ पुराना नाव की बात कर रहे हैं, वहाँ पर तो ये भी हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वहाँ 3 नावें हैं, परसवार में एक अलग है, लोधी डांड में एक अलग है और छिंदिया डांड में अलग है। तो ये अगर ये नाव अगर पुराना है तो इसको हम लोग जो अलकतरा आता है और कुछ मिक्स मटेरियल करके उसको हम लोग मरम्मत कराते हैं, तो हम उसको तत्काल हम मरम्मत कराएंगे, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बहरहाल अब देखने वाली बात होगी कि आखिर ये क्षतिग्रस्त पुल कब बनेगा और लोगों को आने जाने की दिक्कत कब दूर होगी। बलरामपुर से गुलाब ताज की रिपोर्ट। कनारगंज में स्टूडेंट पावर ऑफ यूनिट के पदाधिकारी